Uh, मैं घर जा रहा था डबल शिफ्ट करने के बाद नेक्स्ट डे मेरा होटल जाने का बिल्कुल मन नहीं था तो नेक्स्ट डे मैं होटल जाता हूँ मैं काम करता हूँ और नेक्स्ट डे लकली मैं फ़्री हो जाता हूँ मैं किचन डिपार्टमेंट में था मैं फ्री हो जाता हूँ टाइम से और मैं अपने लॉकर रूम में जाके अपने यूनिफॉर्म चेंज कर रहा था उस टाइम मैं इंडियन फाइन एन रेस्टोरेंट में था तो तभी वहाँ पर बैंक का शेफ़ आता है और बोलता है यहाँ पर कौन कौन से लोग हैं जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग है अपना हाथ खड़ा करें तो मैं फ़र्स्ट डे से इतना फर्स्ट एड रखा था कि मैंने अपना हाथ खड़ा नहीं किया तो वो शेफ़ मेरे पास आया कहता आप कौन हो मैंने कहा सर मैं तो यूटी हूँ तो उसने बोला आप यूटी हैं तो आप घर चले जाइए हेलो एंड वेलकम टू फूड स्लाइड इन द सीरीज ऑफ़ मेकिंग वीडियो ऑन हाउ टू बिकम अ सक्सेसफुल शेफ वी हैव डिस्कस नाउ द स्कूल द इम्पोर्टेंस ऑफ स्कूल लाइफ द इम्पोर्टेंस ऑफ कॉलेज लाइफ आज की वीडियो में मैं आपके साथ बात करने आया हूँ एक ऐसी चीज़ की जिसको करने के बाद ऑलमोस्ट फोर्टी परसेंट ऑफ हमारे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो इस कोर्स को छोड़ देते हैं एंड दैट इज़ इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग बहुत सारे डिफ़िकल्टीज आपको आती है ये कोर्स करने में खास करके जब आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में जाते हैं आपका फर्स्ट एक्सपोजर आपको मिलता है आपका फर्स्ट रियल फील आपको मिलता है कि हाउ इज द होटल इंडस्ट्री इज़ बट यहाँ पर एक थोड़ा सा आपको बात समझनी पड़ेगी जब आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग एज अ इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग आप होटल में जाते हैं तो आप लीस्ट रिस्पॉन्सिबल पोजिशन में होते हैं अब हमारे पास बच्चे आते हैं वो बोलते हैं सर हम इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में जाते हैं तो वो हमसे कुछ काम करवाते नहीं हैं खास आई वुड लाइक टू गिव यू अ वेरी स्मॉल एग्जाम्पल हेर एंड हाउ आप इमेजन कीजिए कि आप अपने पेरेंट्स के साथ या अपने फ्रेंड्स के साथ किसी फाइव स्टार होटल में जाते हैं और आप बहुत छोटा सा एग्ज़ाम्पल दूँ खाना खाना जाते हैं आप फाइव स्टार होटल्स में ट्रेंड शेफ्स होते हैं जो काफ़ी सालों से खाना बना रहे हैं और वो एक्सपर्ट हो चुके हैं उस चीज़ को करने में आप होटल में जाते हैं आप उस एक डिश ऑर्डर करते हैं जो कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल हज़ार रुपये की है आप उस डिश को ऑर्डर करने के बाद खाते हैं और आपको खाने में बिल्कुल मज़ा नहीं आता तो आपका क्या रिएक्शन होगा आपको पता चलता है कि वो डिश जो है किसी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग ने बनाई है ट्रेनिंग ने बनाई है तो आपका क्या रिएक्शन होगा तो बच्चों आपको ये समझना पड़ेगा बच्चे बहुत सारे आते हैं और बोलते हैं हम इंडस्ट्री में जाते हैं किचन में जाते हैं हमसे कुछ काम नहीं कराते तो वो आपसे काम नहीं करा रहे हैं उसके पीछे कुछ रीज़न है जो वहाँ पर डिश बन रही है जो वहाँ पर खाना बन रहा है वो काफ़ी एक्सपर्ट लोगों के साथ बन रहा है और ट्रस्ट मी ऑल यू हैव टू डू इज़ व्हेन यू गो फॉर योर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इज़ विन द यू नो द कॉन्फिडेंस ऑफ योर शेफ़ आई हैव सीन स्टूडेंट्स इन माय कॉलेज

स्टोर लाने में आलू छिलने में प्याज छिलने में लहसन छिलने में नहीं रह जाता है तब आपका रोल थोड़ा सा आगे बढ़ जाता है ये तब होता है जब आपने अपने शेफ़ का यू नो कॉन्फिडेंस जीत लिया शेफ़ को आपने यकीन हो गया कि ये बच्चा जो है ये काम कर सकता है इसको काम करना आता है इसको चाकू पकड़ना आता है इसको बेसिक नॉलेज है किचन की अगर आपने कॉलेज में ही कभी चाकू नहीं पकड़ा है और आप इंडस्ट्री में जाने के बाद बोलते हो कि ये हमसे तो सिर्फ प्याजी छिलवाए तो आपसे आप क्या और एक्सपेक्ट करते हो आप क्या ये एक्सपेक्ट करते हो कि एक होटल आपके चक्करों में अपनी इमेज खराब कर देगा दैट वुड नॉट बी फेयर राइट सो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इज समथिंग विच इज़ विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर करियर बिकॉज इट गिव्स यू अ फील ऑफ हाउ द होटल इंडस्ट्री इज़ गोइंग टू बी ना इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करें कहाँ से ये बहुत बड़ा सवाल आता है बच्चों के दिमाग में फाइव स्टार होटल थ्री स्टार होटल टू स्टार होटल इंडिया अब्रॉड। सो इसका सिर्फ़ एक सिंपल सा एग्जांपल है आंसर है वो ये है कि आप अपने आप को आज से दस साल के बाद कहाँ देखते हो क्या आप देखते हो कि आपको एक अपना खुद का होटल खोलना है तो आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कहाँ से करते हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्या आपको बाहर नौकरी करनी है तो आप इंडस्ट्रियल नौकरी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कहाँ से करते हो आपको कहीं फ़र्क नहीं पड़ता क्या कि आपको किसी एक पर्टिकुलर ब्रांड में नौकरी करनी है उसमें भी मैं बोलूँगा इतना इफेक्ट नहीं पड़ता है पर इसको मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा तो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सिर्फ एक सर्टिफिकेट है जिसको आपको पास करना है एक क्राइटेरिया है जिसको आपको पास करना है अपना होटल मैनेजमेंट कोर्स कंप्लीट करने के लिए ठीक है इट इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट गिव्स यू अ रियल फील ऑफ हाउ द इंडस्ट्री इज बट ये आप कहाँ से करते हो ट्रस्ट में इसका कोई मायने नहीं रखता है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग आप जहाँ से भी करो उसका उसमें इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू आप कितना काम वहाँ पे सीख सकते हैं कितना काम वहाँ पे नहीं सीख सकते हैं लास्ट वीडियो में शायद मैंने एग्जांपल दिया था मैं इस वीडियो में आपको सेम एग्जांपल देता हूँ पिछले बार पिछले साल मेरे दो बच्चे गए थे एक एक ही होटल में होटल का नाम नहीं लूंगा एक ही होटल में एक बच्चे को सैक कर दिया गया इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग से और एक बच्चा था जो कि एप्रिशन लेटर लेके आया तो हाउ कैन आ होटल एक्ट डिफरेंटली टू 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 स्टूडेंट्स फ्रॉम द सेम इंस्टीट्यूट इट ऑल इज़ प्रेजेंट इन योर एटीट्यूड ओके जितना आप किचन तो मैंने सिर्फ एक डिपार्टमेंट का नाम लिया है आप किसी भी डिपार्टमेंट में जाइए अगर अपने सुपरवाइज़र का ट्रस्ट जीतते हैं उसको आप में ट्रस्ट होता है कि हाँ ये बच्चा काम कर सकता है तो वो आगे आपको काम सिखाता है ओके okay, अब बात करते हैं कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कहाँ से करनी चाहिए इंडिया से या अब्रॉड से सो so, अगर आपको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करने के बाद इंडिया में नौकरी करनी है तो अब्रॉड का जो वर्क कल्चर है वो बहुत अलग है बच्चों ऑलराइट सो right? so, आप बाहर जाके अलग काम सीख के आएंगे वो इंडिया में वैलिड नहीं होगा तो अगर आपको किसी इंडियन होटल में ही काम करना है आगे अपना कोर्स ख़त्म करने के बाद तो अच्छा होगा आप किसी इंडियन होटल में ही अपनी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करें ताकि आपको उस होटल के बारे में उसके चेन के बारे में उसके वर्क कल्चर के बारे में समझ में आए और आप आगे जाके एक अच्छा डिसीजन ले पाओ कि आपको इस होटल के साथ काम करना है या नहीं करना है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग बाहर से करने का देखो वी ऑल आर वेरी फैंसी वेन इट कम्स टू विजिटिंग अब्रॉड है ना हम सबकी फैंटेसीज होती है कि हम बाहर जाएँ काम करें इट इज़ गुड आप बाहर जाइए काम कीजिए आपको अलग स्टाइल दिखेगा आपको अलग एनवायरमेंट दिखेगा बट लेट मी टेल यू दिस हेयर नाउ जो काम इंडियन होटल इंडस्ट्री में होता है उसका हाफ भी बाहर नहीं होता है जितना पैशनेट जितना फ्रॉम द स्क्रैच आलू को बॉयल करना आलू को खरीदना आलू को बॉयल करना उसको मैश पटोटो बनाना अगर आप बाहर कैसे होटल्स में जाओगे तो वहाँ पे ऑलरेडी आलू का पाउडर आता है उसको आप सिर्फ पानी में या दूध में रहिए आपका मार्स पर्डो तैयार है तो जितना ऑथेंटिक काम आप इंडिया में सीख सकते हैं उतना ऑथेंटिक काम आप बाहर नहीं सीख पाएंगे बाहर क्योंकि बहुत लेबर का शॉर्टेज होता है बहुत मैन पावर का शॉर्टेज होता है तो उन्होंने अपनी चीज़ों को बहुत एडवांस कर लिया उनके सूप स्टॉक सूप तो नहीं बोलूँगा उनके स्टॉक उनको डेमेज सब कुछ बने हुए आते हैं तो उनको क्या करना है सिर्फ पार्केट खोलना है और उनको उनका काम आधा तैयार हो गया है ये आप नहीं सीख पाएंगे अगर आप बाहर से इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करेंगे यहाँ पे आके आपको सब कुछ फ्रॉम द स्केच सीखने का मौका मिलेगा सो इफ़ यू आस्क मी मेरा तो पर्सनल राय यही होगा कि बच्चों को इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंडिया से करना चाहिए क्योंकि अपना वो कोर्स इंडिया से कर रहे हैं तो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग भी इंडिया से करना चाहिए क्योंकि आगे जाके उनको इंडिया के होटल के साथ ही काम करना है बट येस yes, अगर आपके ड्रीम्स अलग हैं अगर आपको बाहर सेटल होना है तो यू कैन गो यू कैन गो फॉर अ अकेंड चॉइस ऑफ डूइंग अ इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग फ्रॉम एब्रॉड न इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में काफ़ी बच्चे हताश हो जाते हैं कि सर बहुत ही गंदा इन्वामेंट है हमें वहाँ पर गालियाँ पड़ती हैं हमें वहाँ पर बहुत हरास किया जाता है तो आपको मैं फिर से बताऊँगा कि जब आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग होते हो आप बिल्कुल लीस्ट पॉसिबल रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आपको अपॉइंट किया जाता है आपसे बहुत ही जो नॉमिनल काम होता है वो कराया जाता है जो बहुत ही मामूली काम होता है वो कराया जाता है क्यों बिकॉज आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग को यू शुड टेक एज अ फन यू नो फन पार्ट बिकॉज यू आर गेटिंग यू आर लर्निंग समथिंग एंड यू गेटिंग पेड फॉर इट इवन इफ यू नॉट गेटिंग पेड फॉर इट यू यू आर गोइंग टू फाइव स्टार वेल स्टाबलिश होटल विच इज़ बिल्ट विद विद लॉट ऑफ यू नो मनी एंड विच इज़ बिल्ट विद लॉड ऑफ रेपुटेशन तो वहाँ जाके आपको सीखने को ही मिल रहा है तो अगर आपको सीखने के बदले कुछ थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज़ करना पड़ रहा है तो आई थिंक दैट इज़ ओके टू डू इट एंडल इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इज समथिंग विच यू गो आफ्टर फ्यू ईयर्स

Uh, मैं घर जा रहा था डबल शिफ्ट करने के बाद नेक्स्ट डे मेरा होटल जाने का बिल्कुल मन नहीं था तो नेक्स्ट डे मैं होटल जाता हूँ मैं काम करता हूँ और नेक्स्ट डे लकली मैं फ्री हो जाता हूँ uh, मैं किचन डिपार्टमेंट में था मैं फ्री हो जाता हूँ टाइम से और मैं अपने लॉकर रूम में जाके अपने यूनिफॉर्म चेंज कर रहा था उस टाइम मैं इंडियन फाइन एन रेस्टोरेंट में था तो तभी वहाँ पर बैंक का शेफ़ आता है और बोलता है यहाँ पर कौन कौन से लोग हैं जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग है अपना हाथ खड़ा करें तो मैं फ़र्स्ट डे से इतना फर्स्ट एड रखा था कि मैंने अपना हाथ खड़ा नहीं किया तो वो शेफ़ मेरे पास आया कहता आप कौन हो मैंने कहा सर मैं तो यू टी हूँ तो उसने बोला आप यूटी हैं तो आप घर चले जाइए तो मैं घर चला गया उसके बाद नेक्स्ट डे जब मैं अपने रेस्टोरेंट में गया रिपोर्ट करने किचन में गया रिपोर्ट करने तो मुझे पता चलता है कि आज मेरा ट्रांसफर हो गया बैंकवर्ट्स किचन में और वही जो शेफ़ था जो मुझे कल जो हमारे लॉकर्स रूम में आया था ढूंढते हुए वो आता है वहाँ पर और बोलता है आप यहाँ क्या करना है मैं तो ट्रेनीस को बुलाया था तो मैं बोलता हूँ सर मैं ट्रेनिंग ही हूँ तो वो बोलता है कल तो आप You know, not with this so much of respect of AAP, aap. Kalto tu industrial day kalto se So, what he did was, uh, as a punishment, he gave me a sponge and he gave me a bucket full of soap water and I had to clean all the bloody tiles of the kitchen. So, in that time, when incidents ko hum, ab, to I, I, I laugh about it. But at that time, when this happened to me, I was very angry, I was very sad, I was very, you know, demotivated. But these are all part and parcel of your. HM course, okay. Industrial training, I have learned To be very honest, which you never learn in the hotel because the capacity of work, the you know way that you do in the hotels are very different from what you learn in the college. So industrial training, as a fun part, as something which you are learning for free or even getting paid to learn, I think it's not a bad deal. So you should do your industrial training with 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 open arms, even if somebody if if somebody is abusing you, you know, just ignore him or her, you know. Because if somebody is mad, you don't get mad because somebody is mad. You do your part, alright? So that is what my advice is for you. Or you should cool keep your you know temper cool, don't get upset. This is just it's gonna get over. You are you this is this is a temporary phase for six months, say, And this gets over, and even in six months you get you know. रोल टू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स तो अच्छे से इसको कीजिए लर्न कीजिए और इसको बढ़िया से कीजिए सो so, ये था इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के बारे में नेक्स्ट आने वाले वीडियोज़ में मैं आपके साथ अपनी और जर्नी शुरू शेयर करूँगा। सो स्टे होम एंड कीप लर्निंग न्यू थिंग्स रीड रीड लोअ बुक्स कुक एट होम सो यू कैन अपग्रेड योर स्किल्स एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड आई वुड ऑल्सो लाइक टू रिक्वेस्ट यू है प्लीज़ शेयर माई वीडियोज़ विद योर कोलीग्स बिकॉज uh, मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को मेरी वीडियोस से हेल्प मिले बच्चे जो होटल मैनेजमेंट कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास तक मेरी वीडियोस पहुँचे ताकि उनको मेरी वीडियोस से कुछ मोटिवेशन मोटिवेशन मिले और वो दे कुड बी एबल टू पिक अप आ राइट लाइन फॉर दैम सेल्फ थैंक यू फॉर वॉचिंग टू वीडियो हैवे अ गुड डे बाय